नमस्कार, किसान समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं शहला निकार। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने झारखंड के देवघर में इफको नैनो यूरिया संयंत्र की रखी आधारशिला। 450 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा कारखाना। सहकारिता क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार की कोशिशें जारी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्वालियर में अमृतकाल के बजट को बताया भारत को विकसित राष्ट्र बनाने वाला बजट। कहा, बजट में किसानों के साथ ही गरीब और मध्यम वर्ग और महिलाओं सहित समाज के सभी वर्गों को समग्र विकास का किया गया समावेशन। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने गोवा में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि बचाओ अभियान का किया शुभारंभ। वेटलैंड बचाओ अभियान को पूरे भारत में एक वर्ष के लिए सभी जिलों में किया जाएगा लागू। आर्द्र भूमि के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने में मिलेगी मदद। दूसरे चरण के तहत देश भर में इस महीने की 15 तारीख को होगी गेहूं की ई नीलामी। भारतीय खाद्य निगम का पहले चरण के विजेताओं को डिपो से गेहूं का स्टॉक तुरंत उठाने का निर्देश। गेहूं की ई नीलामी से गेहूं और आटे के मूल्य में आएगी कमी। तो चलिए खबरों को अब देखेंगे विस्तार से। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने झारखंड के देवघर जिले के जसीडीह औद्योगिक क्षेत्र में इफको नैनो यूरिया संयंत्र की आधारशिला रखी। 450 करोड़ रुपए की लागत से इस नैनो यूरिया संयंत्र का निर्माण किया जाएगा। देश में ये 5वां नैनो यूरिया संयंत्र होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पूरी दुनिया में इफको ने सबसे पहले नैनो यूरिया बनाया। ये पूरे सहकारिता क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। पूरी दुनिया में सबसे पहले इफको ने नैनो यूरिया बनाया, ये भारत के लिए तो गौरव की बात है ही, परंतु पूरे सहकारिता क्षेत्र के लिए भी गौरव की बात है कि किसानों की सहकारिता से बनी इफको ने दुनिया का सबसे पहला नैनो यूरिया इजाद भी किया, बनाया भी और अब डीएपी की ओर भी आगे बढ़ रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई प्रयास कर रही है। इस बजट में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए कई सारी योजनाएं लेकर आए हैं। उत्पादन के क्षेत्र में सहकारिता पर 26% इनकम टैक्स लगता था, उसको कम करकर अब 15% पर ले आने का काम नरेंद्र मोदी जी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि देश में किसानों की आय 2 से 8 गुना तक बढ़ी है। एमएसपी में 50% का इजाफा हुआ है। अब तक देश के 11.50 करोड़ किसानों के खातों में अधिकतम राशि पहुंच चुकी है। वेबसाइट पर 75,000 से अधिक किसानों का लेखा जोखा मौजूद है। ये बात तोमर ने केंद्रीय बजट को दुनिया के देशों में मान बढ़ाने वाला बताते हुए शनिवार को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कही। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 तक जिन पुरानी पद्धतियों से बजट पेश किया जाता रहा वो सिर्फ तालियां बजाने तक सीमित था, उसमें बदलाव किया गया है। इसका लाभ देश के गरीब किसान, युवा, महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति सभी को होने वाला है, जिससे देश आगे बढ़े। आज देश की GDP दर 7% तक पहुँच गई है, जो बड़ी सफलता का प्रतीक है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने गोवा से राष्ट्रीय आर्द्र भूमि बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर गोवा के सीएम डॉ. प्रमोद सावंत, पर्यावरण मंत्री नीलेश कब्राल और जल संसाधन मंत्री सुभाष शिरोडकर सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। वेटलैंड बचाओ अभियान को पूरे भारत में एक वर्ष के लिए सभी जिलों में लागू किया जाएगा। अभियान के पहले दिन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के साथ गोवा में नंदा झील रामसर स्थल पर
तिरंगा फहराया गया। ये अभियान रामसर साइट से पूरे आर्द्र भूमि पर जागरूकता फैलाने में मदद करेगा। गोवा को अपना पहला रामसर स्थल नंदा झील के रूप में पिछले साल अगस्त में मिला था। तकरीबन 42 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैली ये आर्द्र भूमि गोवा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि में से एक है। साथ ही साथ इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने रामसर साइट के प्रबंधकों से भी बातचीत की। वेटलैंड में शामिल ऐतिहासिक रेणुका झील, जिसका पौराणिक और धार्मिक महत्व भी है, यह हमारे लिए एक बड़ा गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रेणुका झील का अपनी मन की बात में जिक्र किया था। यह झील रामसर साइट में भी शामिल है, जिसके चलते इसका राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा ही महत्व है। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो इस रेणुका झील का जिक्र किया है, उसके लिए यहाँ के क्षेत्र के लोग उनके बड़े आभारी हैं, क्योंकि इस झील को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया है। यहाँ रेणुका वेटलैंड में इस साल 8 प्रजातियों के टोटल 402 पक्षी अभी तक पहुँच चुके हैं, और हमने इनके सुरक्षा के लिए कैमरे लगाए हुए हैं, वॉच टावर, अंदर वॉच करने के लिए वॉच टावर हैं, और समय समय पर हमारी पेट्रोलिंग भी चली रहती है। ये माँ रेणुका भगवान परशुराम माँ का नाम है, और ये अत्यंत पवित्र झील है। ये जो जल है वो माँ रेणुका स्वरूप ही माना जाता है, और यही वो झील है, इसी में उन्होंने समाधि लिया था। खुद यहाँ पे 3 साल से अनुभव किया है। यहाँ एक बहुत ही दिव्य अनुभूति होती है, रात्रि में परम शांति का अनुभव होता है। और गेहूं के दूसरे चरण की विक्रय बिक्री ई नीलामी के माध्यम से 15 फरवरी बुधवार 2023 को पूरे देश में शुरू की जाएगी। भारतीय खाद्य निगम FCI ने 1 और 2 फरवरी को आयोजित हुई पहली ई नीलामी के सभी बोलीदाताओं को निर्देश जारी कर कहा है कि वो आवश्यक मूल्य का भुगतान कर दें और देश भर में संबंधित डिपो से अपना स्टॉक तुरंत उठा लें। निर्देश के अनुसार कीमतों को और अधिक नियंत्रित करने के उद्देश्य से भंडार वाले गेहूं को संबंधित बाजारों में उपलब्ध कराना आवश्यक है। ई नीलामी में बिकने वाले गेहूं का स्टॉक उठा लेने तथा बाजार में आटा उपलब्ध कराने के बाद इनकी कीमतों में और गिरावट आना निश्चित है। देश में गेहूं और आटे की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए मंत्रियों के समूह द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार भारतीय खाद्य निगम ने 1 और 2 फरवरी 2023 को ई नीलामी में ओपन मार्केट सेल स्कीम घरेलू के तहत विभिन्न उपायों के माध्यम से केंद्रीय पूल स्टॉक में से गेहूं के लिए निर्धारित 25 लाख मीट्रिक टन गेहूँ भंडार से 22 लाख मीट्रिक टन उपलब्ध कराने की पेशकश की थी। ई नीलामी के पहले सप्ताह में 1150 से अधिक बोली लगाने वाले लोग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आगे आए और पूरे देश में 9.2 लाख मीट्रिक टन की कुल गेहूं की मात्रा उपलब्ध कराई गई। तो गेहूं की ई नीलामी के पहले सप्ताह में 1150 से अधिक बोलीदाताओं ने भाग लिया और पूरे देश में 9.2 लाख मीट्रिक टन गेहूं की बिक्री हुई। इसके अलावा ई नीलामी के माध्यम से मार्च 2023 के दूसरे सप्ताह तक हर बुधवार को पूरे देश में गेहूं की बिक्री जारी रहेगी। ई नीलामी के पहले सप्ताह में 100 से 499 मीट्रिक टन के बीच गेहूं की अधिकतम मांग रही, जो ये दर्शाती है कि छोटे और मध्यम आटा मिलर्स और व्यापारियों ने नीलामी में सक्रिय रूप से भाग लिया। एक बार में 3000 मीट्रिक टन की अधिकतम मात्रा के लिए केवल 27 बोलियां प्राप्त हुई। फरवरी के पहले सप्ताह में आयोजित ई नीलामी में FCI ने 2,290 करोड़ रुपए अर्जित किए। 3 लाख मीट्रिक टन गेहूं सरकारी सार्वजनिक उपक्रमों, केंद्रीय भंडार, NCCF और नेफेड जैसे PSU सहकारिता संघ को गेहूं का आटा बनाने के लिए 2,350 रुपए प्रति क्विंटल की रियायती दर पर ई नीलामी के बिना ही बिक्री आवंटित के लिए आवंटित किया गया। उन्होंने 29.50 प्रति किलोग्राम के अधिकतम खुदरा मूल्य पर जनता को आटे की पेशकश की। NCCF को 7 राज्यों के लिए 50,000 मीट्रिक टन गेहूं आवंटित किया गया है। देश में आटे के मूल्य को कम करने के लिए इस योजना के तहत नेफेड और केंद्रीय भंडार को 1,00,000 मीट्रिक टन गेहूं आवंटित किया गया।
केंद्रीय भंडार ने उक्त योजना के तहत आटा बेचने की योजना शुरू की है। नैफेड भी 8 राज्यों में ये योजना शुरू करने की तैयारी में है। और मामूली सा समझे जाने वाला बेर का फल कितना गुणकारी हो सकता है, इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बेर की एक ऐसी दुर्लभ प्रजाति पाई गई है जो छोटे सेब के आकार का होता है और इतना पोषक होता है कि ये डिप्रेशन के साथ साथ कई और बीमारियों का कारगर इलाज करता है। इसका नाम है त्रिलोक बेर। चिंता की बात यह है कि इस प्रजाति के आज सिर्फ 5 पेड़ ही बचे हैं और यदि इनका संरक्षण नहीं किया गया तो ये विलुप्त भी हो सकते हैं। आइए आपको बताते हैं क्या है त्रिलोक बेर। बेर के फलों से लदे ये पेड़ जहां मन को बेहद खुश करते हैं, साथ ही इनके पीछे की कहानी आपको थोड़ी चौंकाएगी भी और थोड़ा चिंतित भी करेगी। दरअसल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के फल अनुसंधान केंद्र में मौजूद बेर के ये विशेष पेड़ अपनी किस्म के 5 ही पेड़ हैं। बेहद दुर्लभ प्रजातियों में से एक ये त्रिलोक बेर के पेड़ हैं। केंद्र का दावा है कि ये 100 साल से भी ज्यादा पुराने पेड़ हैं और देश में इस बेर फल के केवल 5 ही पेड़ बचे हैं। अनुसंधान केंद्र में इन सभी पेड़ों का पोषण और संरक्षण किया जा रहा है। भोपाल के फल शोध केंद्र के वैज्ञानिकों के मुताबिक इस फल का गूदा चिपचिपा नहीं होता, इसे सेब की तरह काटा जा सकता है। एक बेर के फल का वजन लगभग 40 से 50 ग्राम होता है और ये कई अहम तत्वों से लबरेज है। एक पेड़ में एक बार में 2.5 क्विंटल तक फल लगते हैं। यही नहीं, ये बेर का फल डिप्रेशन जैसी बीमारी को भी दूर करता है। लगभग 100 साल पुरानी है जो बेर का वृक्ष आप देख रहे हैं और इसमें जो फल है ये फल का आकार जो है मध्यम आकार का होता है, 40 से 50 ग्राम के बीच में, और इसकी खासियत बहुत है। मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को किसान भाइयों कि जैसे कि आप अगर बेर खाते हैं तो कोई दुखी आदमी रहता है तो उसका दुख दूर हो जाता है, ये बेर का जो फल है ये दुख को दूर करने वाला भी होता है, इसके कारण है। क्योंकि बहुत से लोग से नहीं पता है कि बेर में कितने प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। बेर में कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं जिसमें मुख्य रूप से एक एमिनो एसिड होता है जिसमें 14 से लेकर 18 प्रकार के इसमें एमिनो एसिड पाया जाता है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा कार्य करता है। और हम अगर दुखी भी हैं तो ये एमिनो एसिड हमारे शरीर के अंदर ऐसा हार्मोनल पैदा कर देता है जिससे हम थोड़े देर के बाद में अगर बेर खाते हैं तो हमें अच्छा अनुभव होता है और दुख हमारे दूर हो जाते हैं। केंद्र के वैज्ञानिकों ने बताया कि पूरे देश में बेर की 125 किस्में हैं, लेकिन उनमें त्रिलोक बेर का नाम नहीं शामिल है। उन्होंने दावा किया कि 100 साल पहले शहर के जगदीशपुर के एक मंदिर में त्रिलोक बेर के पेड़ प्राकृतिक रूप से फलते फूलते थे। पेड़ों पर एक शोध किया गया, इसके बाद इनकी कली को रिसर्च सेंटर लाया गया। चूंकि पेड़ मंदिर में था इसलिए ग्रामीणों ने इसे ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रसाद समझकर त्रिलोक बेर नाम दिया। यहाँ पर एक बेर पाया जाता है और इस बेर को जो स्थानीय लोग उस समय, मतलब आज से अगर हम देखें 100 साल पहले की बात है कि यहाँ पे लोग इसको त्रिलोका के नाम से जानते थे। और ये त्रिलोका इसलिए इन लोगों ने नाम रखा कि ये पहले लोग भगवान पे ज़्यादा विश्वास करते थे और ब्रह्मा विष्णु महेश जी का हमारे बगल में इस्लाम नगर जुड़ा हुआ था पहले, ये तो वहाँ पर एक मंदिर थी और मंदिर में भगवान के नाम से इसको जो लोग जो है स्थानीय लोग त्रिलोका त्रिलोका कहने लग गए। एक अन्य वैज्ञानिक ने बताया कि भोपाल की जलवायु के कारण ये पेड़ यहाँ पाया जाता है। पेड़ों के लगातार कटने से इनकी संख्या घटी है, इसलिए केंद्र में इन्हें संरक्षित किया गया। फल को सामान्य कमरे में 12 दिन तक रखा जा सकता है और ये खराब नहीं होता। बेर पकने के बाद भी सख्त रहता है जिससे इन्हें दूसरे राज्यों और यहाँ तक कि विदेशों में भी भेजा जा सकता है। वैज्ञानिकों ने कहा कि अगर किसी किसान को एक पेड़ चाहिए तो वे उसे दे सकते हैं ताकि वह उससे अपनी आय अर्जित कर सके। आज तक हमने इसको संरक्षित करके बचाया हुआ है और यहाँ पे लगभग 4-5 पेड़ हमारे पास इसके हैं। इससे हम ग्राफ्टिंग के माध्यम से, बडिंग के माध्यम से इसके पौधे तैयार बड़ी आसानी से करके किसानों के लिए उपलब्ध करा सकते हैं। त्रिलोक बेर की यह विशेषता है कि यह अन्य किस्मों की तुलना में थोड़ा देर से पकता है।
पकने के समय इसकी महक दूर तक पहुंचती है। फल का स्वाद बहुत मीठा होता है। इसके अलावा इसमें बहुत छोटी गुठली होती है, जिसके परिणाम स्वरूप इसमें अधिक गुदा होता है। देश के विभिन्न शहरों में इस फल की मांग है, लेकिन आज जरूरत इस दुर्लभ प्रजाति के बेर को संरक्षित करने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात करेंगे मंडी भाव की, देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों में भाव। चालू रबी सीजन में धान की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2022-23 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 3 फरवरी तक रबी धान की बुआई 46,25,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का क्षेत्रफल 35,05,000 हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल रबी धान की बुआई बीते साल के मुकाबले 11,20,000 हेक्टेयर आगे है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। शनिवार को दूसरी कृषि उपज मंडियों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में धान की आवक अधिक देखने को मिली। भाव पर नजर डाले तो 4 फरवरी को नगरी, दाहोद और हरदोई मंडी में धान के सौदे नरमी के साथ हुए, जबकि लखीमपुर और बस्ती मंडी में इस दौरान धान के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग्मार्क नेट के मुताबिक धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की नगरी मंडी में 3 फरवरी को धान का भाव रहा 2,040 रुपए, 4 फरवरी को धान के भाव में 350 रुपए की भारी गिरावट आई और 1,690 रुपए पर भाव आ गया। गुजरात की दाहोद मंडी में इस दौरान धान के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 3 फरवरी को धान का भाव था 1,715 रुपए, 4 फरवरी को इसके सौदे 5 रुपए लुढ़क कर 1,710 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की बस्ती मंडी में 3 फरवरी को सामान्य क्वालिटी की धान का भाव रहा 2,040 रुपए, 4 फरवरी को इसके सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 2,040 रुपए पर बना रहा। राज्य की ही हरदोई मंडी में इस दौरान धान के भाव में सुस्ती देखने को मिली। यहां 3 फरवरी को धान का भाव था 2,040 रुपए, 4 फरवरी को इसके भाव 90 रुपए टूटकर 1,950 रुपए पर हुए। हालांकि लखीमपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहां 3 और 4 फरवरी को धान 2,040 रुपए पर बिकी। शनिवार को तिल के सौदे उठापटक के साथ हुए। राजकोट और राजूला मंडी में तिल के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ, जबकि ध्रोल और सावरकुंडला मंडी में इस दौरान तिल के भाव में नरमी देखने को मिली। आवक की बात करें तो कृषि उपज मंडियों में शामिल गुजरात की ज्यादातर मंडियों में 4 फरवरी को तिल बिकवाली के लिए पहुंची। एग्वाक नेट के मुताबिक गुजरात की ध्रोल मंडी में 3 फरवरी को तिल का भाव रहा 16,065 रुपए, 4 फरवरी को इसके भाव में 840 रुपए की भारी गिरावट दर्ज की गई और भाव 15,225 रुपए पर आ गया, जबकि राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान काले तिल के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 3 फरवरी को काले तिल का भाव था 13,555 रुपए, 4 फरवरी को इसके सौदे 200 रुपए उछल कर 13,755 रुपए पर हुए। वहीं राजूला मंडी में 3 फरवरी को सफेद तिल का भाव रहा 17,003 रुपए, 4 फरवरी को इसके सौदों में 27 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 17,030 रुपए पर। सावरकुंडला मंडी में इस दौरान काले तिल के भाव में नरमी देखने को मिली। यहां 3 फरवरी को काले तिल का भाव था 13,128 रुपए, 4 फरवरी को इसके सौदे 1,003 रुपए टूटकर 12,125 रुपए पर हुए। तिल की बुआई पर नजर डाले तो बीते कुछ समय से आगे चल रही रबी तिल की बुआई में अब कुछ कमी देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी तिल का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 2,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। साल 2022-23 के दौरान 3 फरवरी तक रबी तिल की बुआई 51,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी तिल की खेती 53,000 हेक्टेयर में हुई थी। और अब बात करेंगे मौसमी खेती की, किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जानते हैं। उत्तराखंड में शिमला मिर्च की बुआई के लिए खेत तैयार कर ले, किसान लाल मिर्च की बुआई के लिए भी खेत तैयार कर सकते हैं। साथ ही बैंगन की बुआई करें, यहां टमाटर की बुआई कर ले,
वहीं खीरे की खेती के लिए नर्सरी तैयार करते रहे। अभी लौकी की बुआई कर सकते हैं। उत्तराखंड में गेहूं के खेत में जरूरी उर्वरक डालें, गेहूं के खेत से जल निकासी का उचित प्रबंध करें। यहीं के किसान लहसुन के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था करते रहे। उत्तराखंड में आलू के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर सकते हैं। वहां मटर की बुआई के लिए खेत तैयार कर ले, इस समय गन्ने की कटाई करें। हरियाणा में सरसों की कटाई कर ले, सरसों में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करते रहें। सरसों में कीट लगने की संभावना है, ऐसे में सरसों में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के। किसान भिंडी की बुआई करे, यहाँ मूंग के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग कर ले। अभी गेहूं के खेत में कीट लगने की आशंका बनी हुई है, ऐसे में गेहूं में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। साथ ही काबुली चने के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। हरियाणा में गन्ने की कटाई कर ले। शिमला मिर्च की बुआई का समय चल रहा है। सर्दी का मौसम इसकी खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। वैसे शेड में 12 महीने इसकी खेती की जा सकती है। इसकी खेती के लिए सबसे पहले नर्सरी लगाई जाती है। नर्सरी तैयार होने पर इसे मुख्य खेत में रोप दिया जाता है। ज्यादातर हरी शिमला मिर्च बाजार में दिखाई देती है, वरना लाल और पीली शिमला मिर्च की भी अच्छी मांग है। रोपाई करते समय ध्यान रखें कि पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 7 सेंटीमीटर रखें। रोपाई के तुरंत बाद पौध में हल्की सिंचाई जरूर कर लें। उसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। इससे फसल की अच्छी बढ़वार में मदद मिलेगी। सर्दियों में पाले से फसल को नुकसान हो सकता है। पाला लगने से पौध सूख जाती है और झुलस जाती है। इससे बचाव के लिए पौध में सिंचाई जरूर करें। पाला पड़ने पर पौधे में मौजूद पानी जम जाता है और सिंचाई करने से ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है। इसके अलावा पाले से फसल को बचाने के लिए 2 ग्राम सल्फर को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। सल्फर के छिड़काव से पौधों में गर्मी बनी रहेगी। इसके अलावा शिमला मिर्च की फसल में सफेद मक्खी के हमले का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए दवा का छिड़काव विशेषज्ञ की सलाह से ही करें। इसके अलावा सफेद मक्खी से बचाव के लिए नेट हाउस में शिमला मिर्च की रोपाई करना बेहतर रहता है। और अब एक नजर डालेंगे देश दुनिया की खास खबरों पर। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का निधन हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबर सामने आई है। वो लंबे समय से बीमार थे। दुबई के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। केंद्रीय विद्युत मंत्री आरके सिंह ने बेंगलुरु में आयोजित G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। आरके सिंह ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, देश में प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को कर्नाटक का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही HAL हेलीकॉप्टर कारखाने का भी लोकार्पण करेंगे। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव का प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अगरतला में घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। राज्य में 16 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, वहीं 2 मार्च को मतों की गिनती होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 10 देशों के लिए वीजा सुविधा प्रदान करने वाले VFS ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन केंद्र का उद्घाटन किया। ये केंद्र 9 फरवरी से काम करना आरंभ कर देगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में आयोजित सामुदायिक नेतृत्व युवा समागम में विकास यात्रा के लोगों का लोकार्पण किया। 20 दिनों तक इस यात्रा के दौरान प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में शासन प्रशासन की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। हिंदी पांचांग के अनुसार देश भर में माघ माह में पूर्णिमा तिथि को संत रविदास की जयंती मनाई जाती है। विभक्तिकालीन संत और महान समाज सुधारक थे।
माघ मास की पूर्णिमा के अवसर पर गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई। वाराणसी में श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। इसी के साथ किसान समाचार में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।